नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जो है आज का अगले बेमिसाल 20 प्रश्नों का सफ़र शुरू करें बिना किसी देरी के। तो आप लोगों से आग्रह है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ में ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे बिना किसी देरी के, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। अच्छे से सुनिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिएगा, लिखते जाइएगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफाएं किस राज्य में हैं? तो यह जो है बादामी गुफाएं हमारी कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है बादामी किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर भी हमारा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाए किस प्रदेश में है, तो उसका भी आंसर हमारा कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेला क्रैमरिश। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रैमरिश को है। वर्ष 1938 में कार्ल खंडाला वाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि मी मरे को माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी कि स्टेला क्रैमरिश माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बादामी शहर, जो बातापी के नाम से भी जाना जाता है, 6वीं सदी से 8वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश की राजधानी रहा था। और यहाँ चार गुफा मंदिर हैं, जिनमें तीन हिंदू तथा एक जैन मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टेला क्रैमरिश अभी आप लोगों ने पढ़ाई है। और अगला क्वेश्चन है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1938 व्याख्या में पढ़ा है हम लोगों। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिव विवाह संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बादामी गुफा सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। बादामी का पहला गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की विशेषता 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है, जिसकी 18 भुजाएं हैं, जो अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाती हैं। इस गुफा में महिषासुर मर्दिनी की भी उत्तम नक्काशी की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नटराज के रूप में भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चालुक्य। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है, पढ़ लेते हैं। बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी 2 से अधिक शताब्दियों तक पूर्व या पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। यह अपनी सुंदर गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बादामी के चार गुफा मंदिरों की दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरी गुफा बादामी की उस काल की गुफा मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला के भव्य रूप को प्रदर्शित करती है। चौथी गुफा एक जैन मंदिर है। यहाँ प्रमुख रूप से जैन मुनियों महावीर एवं पार्श्वनाथ के चित्र हैं। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें बादामी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदिनाथ जैन तीर्थंकर। बादामी गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य सही हो जाएगा, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 470 ईसा पूर्व सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। ओलंपिया में 470 से 456 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र
ज्यूस नामक देवता के उपासना ग्रह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाली क्रांति की प्रथम साक्षी हैं। इनमें युद्ध, आखेट, जुलूस, भोज एवं रथारोहियों आदि की अनेक मूर्तियां हैं। 477 ईसा पूर्व के लगभग डेल्फी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पार्थेनियन स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एथेंस में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, पार्थेनियन एथेंस यानी यूनान में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 447 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पार्थेनन मंदिर का संबंध एथेना देवी से है। एथेंस द्वारा जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था तभी फारसियों द्वारा इसे जला दिया गया। इसकी नींव चूना पत्थर के द्वारा बनी हुई थी तथा इसके स्तंभ को पेंटेलिक मार्बल द्वारा तैयार किया गया था। संभवतः ऐसी सामग्री पहली बार प्रयोग की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्थेनियन मंदिर कहाँ है, तो अभी अभी पढ़ा यूनान में है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनियन किस देश में अवस्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनान में। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हेलेनिस्टिक सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है, सिकंदर का काल 356 से 323 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक कला का समय 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मणासन गॉल या डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है, तो इसका सही आंसर है हेलेनिस्टिक कला, ऑप्शन नंबर डी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं, मणासन गॉल या डाइंग गॉल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है जो एक प्राचीन रोमन संगमरमर की नकल है। डाइंग गॉल जिसे इटालियन भाषा में द डाइंग गैलेशन कहा जाता है, वास्तव में संगमरमर की मूर्ति रोमन कला में बनी थी लेकिन इसकी प्रतिकृति हेलेनिस्टिक कला में भी बनी पाई जाती है। रोमन कला तथा हेलेनिस्टिक कला में बहुत स्पष्ट भेद नहीं है, अनेक दृष्टियों से दोनों समान है, अतः इसे हेलेनिस्टिक कला से संबंधित माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग, तो यहाँ पे हमारा 30,000 वर्ष पूर्व। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, सबसे पहले मानव संस्कृति अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 30,000 ईसा पूर्व से प्रकट हुई थी। इसका चरम विकास दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की कला में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं, नवपाषाण युग में मनुष्य के क्रमशः ताम्र कांस्य एवं लोह का पता लगाया जिसके कारण नवपाषाण युग के तीन युग ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग के नाम से किए जाते हैं। इस युग में धातुओं का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। इस युग के चित्र अधिकतर बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड, असम तथा नागपुर की पहाड़ियों, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों में प्राचीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, फिर यहाँ खत्म होते हैं हमारे बेमिसाल 20 प्रश्न जो कि विस्तार के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना हो, कॉपी पेन पे लिखा हो, रिपीट पर देखिएगा, रिविजन करते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।